गुरदासपुर के पिंड गजनीपुर अज सवेरे किसी शरारती अंसर वालों नाड़ नू अग लगा दी गई, जिस करके करीब 200 एकड़ नाड़ सड़ के सुआह हो गया। हवावां तेज चलन करके अग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अग एक थां तों दूजे पिंड वल वध गई, उत्थे भी भारी तबाही मचाई है। इस अग नाल किसी भी तरह का जानी नुकसान होने का समाचार नहीं है। पिंड वासियां ते मौके ते पहुंची फायर ब्रिगेड की गड्डी नू अग ते काबू पाउण लई करीब 2 घंटे तक लग गए। सूचना मिलते ही चौंकी जोड़ा छतरा तो भी पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मौके मौके पर पहुंचे ASI ने कहा है कि जेकर किसी ने कोई शरारत की हुई तो उसनु बख्शिया नहीं जाएगा। उधर पीड़ित किसान ने प्रशासन तो मुआवजे की मांग की है। डेढ़ घंटा हो गया अग लगी, जिस तरह तुम देख सकते हो पिछे कि किन्ना अग का जोर वा। और प्रशासन इस टाइम पहुँच रहा वा, पर फिर भी असं यही चाहते हैं कि अग से जल्दी तो जल्दी जरा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगे भी देखो तुम तूड़ी बन वाली है लोगों के नाड़ किसान की मेहनत वाए जी। एकड़ इस टाइम 200 एकड़ के लागे छके से सड़ चुका, क्योंकि अग काफ़ी दूरों आई है। और तुम देख सकते हो उधरों हवा का भी जोर है, अग पर काबू पाया जा रहा है। इस टाइम लोग भी लगे हुए हैं जिन्हों के लागे छागे हैगा काम, बाकी प्रशासन पहुंचा वा फायर ब्रिगेड की गड्डी। इस टाइम तकरीबन 1.5 घंटे के लगभग हो गया अग लगी, तकरीबन 200 किला जरा अग सड़ के सुआह हो गया। तो जिस कुछ तूड़ी सी, तूड़ी के मूसल से फायर ब्रिगेड आई हुई है, वो अगे आगे पिंड वाल ही बढ़ रही है। तो अग ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, तो सरकार को चाहिए कुछ बहुत सारे किसानों के जेडे नाड़के सड़े है, तो तूड़ी सड़ी है, बनी हुई तूड़ी सड़ गई है। सरकार को चाहिए वो तो वो मुआवजा देना चाहिए, जहाँ लोगों का नुकसान होया उन्होंने सरकार योग मुआवजा दे। जी कोई 150 किले के करीब जोड़ा नाड़ सड़ गया वा, कि पिछयों अग ततले पिंड तो परियों कि अग लग गई है। हूँ उन्हें नहीं पता लगा किस करके लगी, हवा बहुत तेज होने करके अग बहुत जल्दी फैली। तो पब्लिक जी पिंड वाली है सारे ने दौड़ भज करके नाल फायर ब्रिगेड की गड्डी आई है, उन्होंने अग से काबू पाया। पर पब्लिक ने बहुत साथ दिता जी, पब्लिक के करके जो अगे बचा जो जानी नुकसान कोई नहीं होया। माली जरा वा तूड़ी वगैरह जी इन्हें बनानी हैगी नाड़ और नाड़ 100-150 किला सड़ गया जी। गुरदासपुर तो बिशंबर बिटू के नाल हिम्मत नंदा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।